हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौर में कोरोना वैक्सीन को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। शुक्रवार को पीएम और डॉक्टर एसपी शर्मा और वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर हेमंत जैन के नेतृत्व में एमसीएच अस्पताल में वैक्सीनेशन बूथ पर 25 कार्मिकों पर वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन किया गया। सुबह निर्धारित समय पर 25 लोगों को ड्राई रन के लिए मैसेज भेजकर बुलाया गया। इन 25 लोगों का रैंडमली चयन किया गया है। बाद में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिनमें रजिस्ट्रेशन से लेकर वैक्सीनेशन तक प्रक्रिया को अपनाया गया। हालांकि इसमें 25 लोगों को वैक्सीन नहीं लगाया गया, लेकिन वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। वैक्सीनेशन की दोपहर 1 बजे तक प्रक्रिया सम्पन्न हुई। गौरतलब है कि जालौर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। इसी माह वैक्सीन जालौर पहुंचने की उम्मीद है। इसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। पहले दौर में हेल्थ वर्कर्स फ्रंटलाइनर को ही कोविड वैक्सीन लगेगी। जिला मुख्यालय पर वैक्सीनेशन का ड्राई रन होने के साथ तैयारियों को परखा जा रहा है। आज हमारे चिकित्सालय में एक कोरोना वैक्सीन के लिए ड्राई रन आयोजित किया गया है। इसके लिए हमारी प्रिपरेशन 2 दिन से चल रही थी। 5 हमारे वैक्सीनेशन ऑफिसर बनाने थे और स्थान चयनित करना था, तो हमने अभी मातृ शिशु अस्पताल के अंदर DIC की बिल्डिंग के लिए ड्राई रन आयोजित किया है। 5 ऑफिसर में, एक तो सबसे पहले लाइन लिस्ट चेक करने वाले ऑफिसर थे, सेकंड वेटिंग एरिया में देखने वाले थे, तीसरे ऑफिसर जो कि अपने जो पहचान पत्र जो भी लाएंगे उसको चेक करेंगे, चौथे ऑफिसर हमारे जो वैक्सीनेशन की टीम है जो वैक्सीन लगाएगी और साथ के अंदर जो आई पहचान पत्र है उसको चेक करेंगे, और वैक्सीन लगाने के बाद जो हमारा ऑब्जर्वेशन एरिया है वहाँ पर उनको बेनिफिशियरीज को वहाँ रखा जाएगा। जागरूक टीवी के लिए जालौर से तरुण गहलोत की रिपोर्ट।